कभी कभी डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं गिवन होता। ऐसा कैसे? ध्यान से देखना, व्हेन द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तो इसमें हमारे कोर्स में सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड में हम रेट निकाल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट गिवन नहीं है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, तो क्या होगा? ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे फिर? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। ये हमें नंबर ऑफ इयर्स दे रखे होंगे कि एक मशीन की एस्टिमेटेड लाइफ क्या है। ध्यान से देखना, डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, इट विल इंक्लूड एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू, जो वो रूल्स वही है, एनी एक्सपेंस इनकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू इट्स वर्किंग कंडीशन विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। थ्योरेटिकली हमें कहां पे गिवन था? फैक्टर्स और बेसिस ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो प्लीज वो ढंग से पता होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्लियर है सबको? यस सर। मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं कि क्वेश्चन में हम इनकी वैल्यूज कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। बहुत ही ज्यादा सिंपल, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सी चीज है। ध्यान से देख, फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाता हूं आपको मैं किस चीज का। जब हमें डेप्रिसिएशन का रेट गिवन नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करना हो, क्वेश्चन नंबर टू आपको करके दिखाया था। क्वेश्चन टू के पापा हैं क्वेश्चन नंबर थ्री, तो ध्यान से देखना, मैं वर्किंग करके दिखाऊंगा। अकाउंट अकाउंट आप अपने आप बनाएंगे। ध्यान से देखना, ऑन 1 अप्रैल 2017 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वॉज परचेज्ड। क्या खरीदा हमने? F1 फर्नीचर वन। कब खरीदा? 1 अप्रैल 2017। कितने का खरीदा? 55,000। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर्स, एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर 5,000। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल, बात की बात है। चलो, स्क्रैप वैल्यू क्या है? 5,000। एस्टिमेटेड लाइफ क्या है? 10 ईयर्स। ओके, एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2018। F2 1 अप्रैल 18 कितने का? 9,500। स्क्रैप वैल्यू 500, और वही सेम चीज है तो उसकी एस्टिमेटेड लाइफ भी 10 ईयर्स ही रहेगी। F3 ऑन 1 अक्टूबर 2020, एडिशन वर मेड ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड 1 अक्टूबर 2020। तो 1 अप्रैल 2017 कौन से ईयर में आएगा? 1718। 1 अप्रैल 2018 किस में आएगा? 1819। और फिर क्या है? 1 अक्टूबर 2020 ये किस में आएगा? 2021। कितने का खरीदा? 8,400, और स्क्रैप वैल्यू क्या है? 400। तो डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है अनंत? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू सर कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ तो 55 माइनस 5, 50,000 डिवाइड बाय 10, फाइव थाउजेंड क्या जाएगी? 5,000।
M2 की 50,000 डिवाइडेड बाय 10 M2 9500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 10 तो क्या आ जाएगा 900 डेप्रिसिएशन F2 डेप्रिसिएशन F1 और डेप्रिसिएशन F3 8400 माइनस 400 डिवाइडेड बाय 10 विच विल बी 8,800 पर एनम 900 पर एनम बड़ी जल्दी हो रही है सर 5,000 पर एनम तो ये पूरे साल की डेप्रिसिएशन है ये पूरे साल की है तो अगर आपने कोई एसेट अक्टूबर में खरीदा है तो डेप्रिसिएशन फॉर 6 months उसके आधी हो जाएगी इन चीजों में तो कोई दिक्कत नहीं है ना ये पूरे हम एनुअल डेप्रिसिएशन निकलती है इस मेथड से कोई डाउट नो सर तो शो फर्नीचर अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 years तो इंफॉर्मेशन आपके सामने है अब मैंने आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी बता दिया कैसे निकालना है सारी इंफॉर्मेशन है अकाउंट तो आई होप अब तक अपने आप बना ही लोगे यस और नो यस सर यस सर नहीं बना पाओगे तो मैं बनाऊंगा पहले आप ट्राई करना प्लीज क्वेश्चन नंबर 2-3 का अकाउंट अपने आप बनाएंगे बहुत ही ज्यादा इजी है नहीं बना पाओ तो मान लेना कि डेप्रिसिएशन में कुछ नहीं आता ठीक है ना कि आप बिना सेल के मशीनरी अकाउंट नहीं बना पा रहे तो सेल के साथ बनाना तो और कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं तो आपको सेल के साथ 2 अलग अलग क्वेश्चन करा चुका हूँ तो बेसिक मशीनरी अकाउंट बनाना आना चाहिए नहीं आता तो कोई मतलब इट इज एन इंडिकेशन ना कि आपको नहीं समझ आया तो रिवाइंड दोबारा उनको कॉन्सेप्ट को वीडियोस देखेंगे जहां पे मैं आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूं ओके क्लास इज यस सर